कृषि विकास अधिकारी ने एक आवेदक से खाद बीज का लाइसेंस बनवाने के 6,000 रुपए रिश्वत की मांग की। आवेदक ने अधिकारी की शिकायत लोकायुक्त टीम से की। लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाकर कृषि विकास अधिकारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। ये मामला कटनी का है, जहां जबलपुर लोकायुक्त टीम के प्रभारी निरीक्षक स्वप्निल दास ने बताया कि राघवेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने बड़वारा में खाद बीज के लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन किया था। लाइसेंस बनाने के लिए बड़वारा कृषि विस्तार अधिकारी पंचम गाठे ने राघवेंद्र से 6,000 रुपयों की मांग की। इस बात की शिकायत राघवेंद्र ने लोकायुक्त जबलपुर में की। राघवेंद्र की शिकायत पर लोकायुक्त की टीम ने जाल बिछाकर कृषि विस्तार अधिकारी को रंगे हाथ 6,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। 28/5/2023 को प्रार्थी पुष्पेंद्र सिंह के द्वारा लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में आकर लिखित में आवेदन किया गया कि उसका भाई है पुष्पेंद्र सिंह, जिसके द्वारा खाद बीज विक्रय करने हेतु दुकान खोलना है, जिसका लाइसेंस उसे प्राप्त करना है। तो इस संबंध में उसके द्वारा, उसके भाई के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया था, जिसमें कार्रवाई होनी थी। उक्त तारतम्य में जब वह कृषि विकास अधिकारी पंचम गाठे बड़वारा से मिला, तो उनके द्वारा ये काम पूर्ण करने के लिए प्रार्थी से 6,000 रुपये रिश्वत की डिमांड की गई। शिकायत में विधिवत लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर के द्वारा रिकॉर्डिंग कराई गई। रिकॉर्डिंग में स्पष्ट डिमांड आने के बाद आज दिनांक को आरोपी पंचम गाठे कृषि विकास अधिकारी बड़वारा को 5,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों लोकायुक्त टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया। मैंने दिनांक 25 को लोक सेवा बड़वारा में खाद बीज के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, जिसमें मेरे से कृषि विस्तार केंद्र अधिकारी हैं बड़वारा में पंचम गाठे जी, उनके द्वारा मेरे से 6,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी, जिसे मैं रिश्वत इन्हें नहीं देना चाहता था, मैं इन्हें ट्रिप करवाना चाहता था। तो मैंने जबलपुर लोकायुक्त में जाकर और इनकी शिकायत की, वहाँ से फिर इनकी टीम गठित होकर और 5 दिनांक को इनको ट्रिप। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।